हम लोग काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, अगर दो बॉडी हमारा मोशन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे उसको निकालेंगे, उसका हम लोग कैलकुलेशन पढ़ें। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें, डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ए डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ें कि अगर दो बॉडी मोशन में हो, बॉडी ए और बी हो, और ए का वेलोसिटी वी ए और बी का वेलोसिटी वी बी हो, तो ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में होगा वी ए माइनस वी बी, और इसी को लिखते हैं वी ए प्लस माइनस वी बी। यानी कि ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो ए के वेलोसिटी में बी के नेगेटिव को हम लोग ऐड कर देंगे, सम ले लेंगे, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी से हम लोग दो बॉडी अगर मोशन में है तो उसके बीच हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। यहाँ पर लेट टू बॉडी ए एंड बी आर इन मोशन विथ वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। ए का वेलोसिटी है वी और बी का वेलोसिटी वी बी एट एंगल थीटा। दोनों जो हमारा बॉडी है ए और बी, उसके वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पर आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस माइनस वी बी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग दो बॉडी चूज किए हैं ए और बी। ए के वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ओ ए से, ओ ए से रिप्रेजेंट करके ए के वेलोसिटी को वी ए, और बी के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किए हम लोग ओ बी से, ये वी बी है और इसी के बीच का एंगल थीटा है। अब इस दोनों बॉडी ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। इसमें ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए ए के वेलोसिटी में बी का निगेटिव ऐड करते हैं, तो ये वेलोसिटी हमारा वी बी वो भी डायरेक्शन में है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले आएंगे। यहाँ पर ओ बी डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको माइनस वी, और इस दोनों के बीच का एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करें, ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम, और इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। ए ओ सी रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी, और ए बी एंगल हमारा थीटा होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये बी है, ए हमारा होगा इसका मैग्नीट्यूड वी बी, और ये एंगल थीटा है, ये हमारा हो गया आपका वी बी कॉस थीटा डी ए, और ये होगा वी बी साइन थीटा, ये हमारा हो गया वी बी साइन थीटा। अब यहां पर है फ्रॉम फिगर, फिगर से हम ड्रॉ किए हैं ओ ए इजकल टू है वी ए, ओ बी इजकल टू है वी बी, एंगल बी ओ ई इजकल टू है थीटा, सी बी इजकल टू है पर पेंडिकुलर ऑन
away from point C. C से perpendicular है, तो यहाँ पर आए from triangle और एक लिखते हैं हम लोग OC. OC भी प्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी DAB. अब है from triangle, हम लोग ट्रायंगल ले CDA, from triangle CDA इसमें हम लोग cos थीटा लें, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा DA by AC. ADA है, AC हमारा VB है, यहाँ पर AC हमारा VB है, तो DA इज इक्वल टू होगा VB cos theta and sin theta. Sin theta ले इसमें perpendicular by hypotenuse, perpendicular हमारा हो गया DC, hypotenuse है AC, तो DC is equal to यहाँ पर VB, तो DC is equal to हो गया आपका VB sin theta. तो हम लोग DA और DC का वैल्यू निकाले, DC का वैल्यू है हमारा VB sin theta और DA का वैल्यू है VB cos theta. अब हम लोग निकाले from triangle ODC, इस ट्रायंगल में आए ODC, यहाँ पर ये मान लेते हैं इसके साथ एंगल बनाया है अल्फा, ODC से हम लोग ले, तो हमारा होगा OC square is equal to OD square plus DC square. तो OC हमारा जो है ये भी है, OD is equal to हम लोग यहाँ पर ले, बट OD, OD is equal to होगा OA minus DA, तो OD is equal to आ गया VA minus DA का वैल्यू है VB cos theta. तो इस कंडीशन में ये जो हमारा OC है, ये आपका OC, OC का वैल्यू हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पर VAB, तो VAB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD, OD का वैल्यू है हमारा VA माइनस VB cos थीटा स्क्वायर प्लस CD DC, DC का वैल्यू है VB sin थीटा, A हमारा हो गया VB sin थीटा, इसका स्क्वायर, इसको हम लोग ए माइनस बी के फॉर्म पर तोड़ दें, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा प्लस वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पर और वी बी कॉस स्क्वायर थीटा वी बी साइन स्क्वायर थीटा, इसमें वी बी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लें, तो वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर कॉमन लिए तो हमारा हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस टू VA VB cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा वन, तो हमारा VAB का स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस टू VA VB cos थीटा हुआ. यहाँ पर मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ए का है बी के रिस्पेक्ट में, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह वी ए बी इक्वल टू रूट अंडर वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए VB cos थीटा, ये हमारा रूट अंडर हुआ, ये मैग्नीट्यूड निकल गया हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी. ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारा है वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि VAB VA के साथ जो एंगल बना रहा है वह अल्फा,
इफ जी ए बी मेक्स एंगल अल्फा विथ भी ए के वेलोसिटी के साथ देन फ्रॉम ट्रायंगल इसी ट्रायंगल में ओ डी सी इसमें हम लोग ले टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी सी बाई ओ डी डी सी हमारा है भी बी साइन थीटा ओ डी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा यहां पर दैट इज डायरेक्शन एंगल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी भी ए बी अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स भी बी साइन थीटा बाई भी ए माइनस भी बी कॉस थीटा ये हमारा डायरेक्शन एंगल निकल गया रिलेटिव वेलोसिटी का। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन एंगल निकाल लिए अल्फा का वैल्यू जो हमारा वेलोसिटी ए ए जो बड़ी है उसका जो वेलोसिटी भी है उसके साथ एंगल बनाया था ये अल्फा। अब है इसमें हमारा डिफरेंट केसेज फर्स्ट केस डील करें अभी हमारा दोनों बॉडी ए और बी एक एंगल पर मूव कर रहा था और एंगल हम लोग लिए हैं थीटा। अब है कि बॉडी हमारा मूव कर रहा है एंगल एक पर्टिकुलर वैल्यू वो पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग लिखकर देखें फर्स्ट यहां पर केस ए लें यहां पर है हम लोग को व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ये हमारा थीटा है ये 0 है इसका मतलब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी दैट इज भी ए और भी बी दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पर आए फ्रॉम इक्वेशन टू इस इक्वेशन में है इस इक्वेशन से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें तो भी ए बी रूट अंडर भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर माइनस टू भी बी कॉस थीटा है थीटा का वैल्यू दोनों का 0 डिग्री है कॉस 0 हमारा 1 होता है तो उस कंडीशन में होगा भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर माइनस टू भी ए रूट अंडर इसको हम लोग लिख सकते हैं भी ए माइनस भी बी का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो यहां पर भी ए बी इजकल टू भी ए माइनस भी बी तो सेम डायरेक्शन में अगर दो बड़ी मोशन में हो तो दोनों के वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग माइनस कर लेंगे सेम डायरेक्शन मूव कर रहा हो तो माइनस कर देंगे। और यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थ्री हम लोग निकाल चुके हैं इस इक्वेशन थ्री से डायरेक्शन एंगल तो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स भी बी साइन थीटा है साइन 0 डिग्री बाई भी ए माइनस भी बी कॉस 0 साइन 0 जीरो होता है तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा 0 होगा तो इसमें डायरेक्शन एंगल जो निकला वह 0 होगा यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। अब है कि यहां भी हमारा तीन कंडीशन होगा फर्स्ट है हमारा कंडीशन व्हेन भी ए ग्रेटर देन भी बी ये जो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हमारा देन भी ए माइनस भी बी इक्वल टू पॉजिटिव इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा भी ए के डायरेक्शन में होगा। सेकेंड है हमारा व्हेन
VA less than VB, उस कंडीशन में हमारा then VAB is equal to VA minus VB is equal to होगा नेगेटिव, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन VA के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। थर्ड है हमारा when VA is equal to VB, दोनों का वेलोसिटी सेम हो तो उस कंडीशन में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी VA AB is equal to VA minus VB is equal to 0, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर हमारा 0। जब रिलेटिव वेलोसिटी दो बॉडी में 0 होगा तो दोनों लगेगा कि वो पैरेलल मूव कर रहा है एक साथ, मतलब दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक पर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से, तो एक पैसेंजर को दूसरा ट्रेन रेस्ट में मालूम पड़ेगा जबकि वह रेस्ट में नहीं रहता है, कारण वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो ये कंडीशन हुआ हमारा फर्स्ट कि जब एंगल थीटा हो, दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो, उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस ले लेंगे, यानी उसको हम लोग एक के वेलोसिटी से दूसरे के वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा जब हमारा डायरेक्शन सेम बी में है आपका। यहाँ पर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि दोनों का जो मोशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज ए जो भी ए है और भी बी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर मूव कर रहा है दूसरा इधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहां पर मैग्नीट्यूड निकाले, तो फ्रॉम इक्वेशन टू भी ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर माइनस टू भी ए भी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री हमारा माइनस वन होता है, माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर प्लस टू भी ए भी बी होगा यहाँ पर कॉस 180 माइनस हो गया हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं भी ए प्लस भी बी स्क्वायर रूट अंडर, तो हमारा भी ए बी इज इक्वल टू भी ए प्लस भी बी होगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों के वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर डायरेक्शन देखें तो अल्फा इज इक्वल टू है टैन इनवर्स भी बी साइन 180 बाय भी ए माइनस भी बी कॉस 180 साइन 180 हमारा 0 हो जाता है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर डायरेक्शन हमारा 0 हुआ। जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो दोनों के वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो एक पैसेंजर को लगता है कि दूसरा जो ट्रेन जो है सो हाई स्पीड से भागा है, हाई स्पीड से मूव किया है, यानी उस समय में दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाता है, इसीलिए वहां पर ऐसा फील होता है कि एक ट्रेन के पैसेंजर को दूसरा ट्रेन का स्पीड बहुत ही हाई है, उस समय में दोनों ट्रेन का स्पीड ऐड हो जाता है तो उसमें हाई लगता है उसका। सी में आइए, यहां पर है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी कि भी ए परपेंडिकुलर हो भी बी का, दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में माला फ्रॉम इक्वेशन टू ए रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकाले हुए हैं भी ए बी भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर माइनस टू भी ए भी बी कॉस 90 होगा, कॉस 90 हमारा 0 होता है, टर्म ये खत्म हो जाएगा, भी ए बी तो भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर का रूट अंडर। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पर स्क्वायर लेंगे भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर। अब है डायरेक्शन देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ये हमारा हो गया भी बी साइन 90 बाई भी ए माइनस भी बी
cos 90, cos 90 जीरो होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स VB by VA, तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा VA के साथ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स VB by VA। तो हम लोग तीन केस देखे, एक है 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में हो, दूसरा है हमारा 180 डिग्री जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, और एक है 90 डिग्री जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हो। तो इसमें सभी केस में वेलोसिटी हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे वो हम लोग निकालें। एक क्वेश्चन हम लोग बनाए इस पर, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.9, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी। इसमें दिया हुआ है कि दो टाउन के बीच में रेगुलर बस सर्विस है, दो टाउन है यहाँ पर, टाउन ए और दूसरा हमारा टाउन बी है, इसके बीच एक रेगुलर बस सर्विस, रेगुलर बस सर्विस रेगुलर टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइम इंटरवल इज इक्वल टू टी मिनट, टी मिनट पर वो बस खुलती है, और दोनों बस का वेलोसिटी जो ए से और बी से जो खुलती है उसका वेलोसिटी दोनों का सेम है। यह हो गया मान लीजिए बस ए से जो खुली उसका भी वेलोसिटी भी यहाँ से जो बस खुली बी से वहाँ उसका भी वेलोसिटी भी, एक बस खुलने के बाद तो दूसरी बस खुलती है, तो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल टी है और वेलोसिटी ऑफ ईच बस, बस का वेलोसिटी भी दिया हुआ है यहाँ पर भी मान लेते हैं हम लोग। और इसमें दिया हुआ है कि एक हमारा साइकिलिस्ट है जो मूव कर रहा है टाउन ए टू बी, ए साइकिलिस्ट है हमारा, साइकिलिस्ट है जो मूव कर रहा है हम लोगों को टाउन ए से बी की ओर, और इसका स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये साइकिलिस्ट नोटिस करता लेता है कि इधर से जो बस आ रही है टाउन ए से बी की ओर वह प्रत्येक 18 मिनट पर क्रॉस करता है, और इधर से नोटिस लेता है कि बी से जो ए की ओर आ रही बस उसको जो क्रॉस करता है प्रत्येक 6 मिनट पर क्रॉस करता है। यहां पर दिया हुआ है कि जो बस टाउन ए से बी की ओर मूव कर रहा है वह प्रत्येक 18 मिनट पर क्रॉस कर रहा है, और टाउन बी से ए की ओर वो प्रत्येक 6 मिनट पर क्रॉस कर रहा है। अब है कि यहां पर देखिए कि एक बस खुली, इसके दूसरे टाइम इंटरवल टी पर एक दूसरी बस खुलती है, तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारा एस है और टाइम हमारा कितना टी। तो इस समय में हम लोगों का ये जो डिस्टेंस जो हुआ बिटवीन टू बस, डिस्टेंस बिटवीन टू बस इन टाइम टी मिनट एस इक्वल टू वी टी, ये डिस्टेंस निकला। अब है कि ये इस वेलोस बस का और यहाँ पर साइकिलिस्ट दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा यहाँ पर एस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन सेम में हम लोग माइनस करते हैं, तो इसका वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी 20 है तो हमने माइनस कर दिया, और इनटू टाइम वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होगा, और टाइम हमारा है 18 मिनट, मिनट में हम 60 से डिवाइड कर दिए तो आवर में निकल गया, कारण इसका वेलोसिटी हमारा आवर है, यानी 18 मिनट में 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इतना ही आवर निकल गया, तो आवर हमारा वाई होगा।
और दूसरी बस के लिए लें, तो इस बस का जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका और साइक्लिस्ट का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें हम लोग सम कर लेंगे और इसका टाइमिंग है 6 मिनट आवर में प्रदान करने 60 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इस दोनों को हम इक्वेट करें तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर वी माइनस 20 इंटू 18/60 इसकल टू वी प्लस 26/60, इस 60 हम हटा दें, इस 6 से हो गया 3, तो वी माइनस 20 इंटू 3 और वी प्लस 20, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 भी 60 भी प्लस 20, 3 भी माइनस भी 60 प्लस 20, तो इस कंडीशन में हमारा 2 भी इसकल टू 80, तो भी इसकल टू 80/2, तो भी इसकल टू 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये बस का वेलोसिटी निकल गया हम लोग को 40 किलोमीटर पर आवर। अब है कि ये दोनों हमारा इक्वल है, इसको हम लोग इक्वेट कर दें यहाँ पर, तो इक्वेट करेंगे तो एस का वैल्यू यहाँ पर वीटी है, दूसरा है कि टाइम हमको निकालना है, तो वीटी इक्वल टू यहाँ पर होगा वी प्लस 20 इंटू 6/60 प्लस यहाँ पर पुट कर दिए, वी का वैल्यू हमारा 40 है, 40 टी इक्वल टू 40 प्लस 20 इंटू 6/60। अब है यहाँ पर हमारा 40 टी इक्वल टू 60 इंटू 6/60, ये हमारा निकल गया यहाँ पर टी का वैल्यू, तो टी इक्वल टू 60/40 इंटू 6/60, ये 60 कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 6/40 ये निकल गया हम लोगों को आवर। इस आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो टी इक्वल टू 6/40 इंटू 60, ये हमारा मिनट हो जाएगा, जीरो से जीरो काट दिए, 36/4 इक्वल टू 9, तो टी इक्वल टू निकल गया हम लोगों को 9 मिनट। तो बस जो टाउन ए से और बी से जो रेगुलर टाइम ट्रेवल करती है उसका टाइमिंग हो गया 9 मिनट, और ये जो बस है उसका वेलोसिटी निकल गया हम लोगों को 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस कर देते हैं, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं। थैंक यू।